जय हिंद स्टूडेंट स्टूडेंट टुडे आई विल टीच यू चैप्टर एट स्कूल इज फन सो लेट्स स्टार्ट वन टू थ्री गो फर्स्ट देखिए बेटा ये आपकी एक्टिविटी है जिसमें आपको क्या करना है सर्कल द थिंग्स यू टेक टू स्कूल यानी आप कोशी को सर्कल करना है जो कि आप स्कूल ले जा सके अपने साथ ओके सो यह आपको आप अपने से करना है खुद से वी रीड फ्रॉम योर बिटू एंड मुन्नी लिव इन अ विलेज यानी बिट्टू और मुन्नी एक विलेज में रहते हैं द विलेज स्कूल डज नॉट हैव बस उस गांव के स्कूल में बेटा बस की सुविधा नहीं होती है है ना वहाँ बसें नहीं होती स्कूल ले जाने और ले आने के लिए बिट्टू एंड मुन्नी आर वॉकिंग टू स्कूल बिट्टू और मुन्नी वॉक करते हुए स्कूल की तरफ जाते हैं दे कम आउट ऑफ द हाउस वे घर से बाहर आते हैं दे गो अंडर द ब्रिज वो पुल के नीचे से जाते हैं दे क्लाइम ओवर द फेंस फेंस मीन्स होता है बाढ़ ठीक है बाढ़ क्या होता है जो एनिमल्स uh, से अपनी चीज़ों की सेफ्टी के लिए हम लोग लगाते हैं जैसे कोई हमारे फसलें हैं कोई चीज़ हमने लगाया है तो उसकी सेफ्टी के लिए हम लगाते हैं बाढ़ जिसे हम फेंस कहते हैं तो दे क्लाइम यस ये दे क्लाइम ओवर द फेंस वी बाढ़ के ऊपर से चढ़ के क्या होते हैं पहाड़ के ऊपर वो चढ़ते हैं दे क्लाइम अप टू हिल वो हिल के ऊपर जाते हैं है ना उस पर वो चढ़ना शुरू करते हैं दे रन डाउन द हिल और वो पहाड़ से नीचे आते हैं दे रीच स्कूल ऑन टाइम और वो स्कूल एकदम टाइमली पहुंच जाते हैं ना टाइम से स्कूल पहुँचते हैं देवी राम रिंग द स्कूल बिल देवी राम स्कूल बिल को रिंग करते हैं डिंग डोंग डिंग डोंग जो कि रिंग का साउंड है है ना डिंग टोंग डिंग टोंग द चिल्ड्रेन गो इन टू देयर क्लास रूम बच्चे अपने क्लास रूम में जाते हैं अब भी बैल बजती थी तो यूके जी में क्लासरूम में जाते थे ना बिल्कुल वैसे नाउ हेयर दिज चिल्ड्रेन आर पेंटिंग ये बच्चे पेंटिंग करते हैं दिज चिल्ड्रेन आर रीडिंग ये बच्चे रीडिंग करते हैं दिज चिल्ड्रेन आर प्लेइंग विथ अ बॉल ये बच्चे एक बॉल से प्ले यानी खेलते हैं दी चिल्ड्रेन आर आंसरिंग क्वेश्चन ये बच्चे क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ ना तो आप आंसर करते हैं बिल्कुल ऐसे ऑल द चिल्ड्रेन आर हैप्पी सभी बच्चे बहुत ही खुश होते हैं दे हैव फन एट स्कूल और वो क्या करते हैं फ़न यानी मस्ती करते हैं स्कूल में ओके सो स्टूडेंट ये आपकी रीडिंग आज कंप्लीट हो चुकी है इससे आपको एटलीस्ट फाइव टाइम रीड करना है और इसके बाद इसके एक्सरसाइज जिसमें ट्रू फॉल्स है आंसर्स क्वेश्चंस और भी बहुत से एज एम आर का यूज़ है करेक्ट वर्ड्स फिल करने हैं ये सब मैं आपको नेक्स्ट टर्न में करवाऊंगी ठीक है so, सो स्टूडेंट आपको इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है रेड करना है ओके हिंद ऑल ऑफ यू